यासिर शाह मेरे साथ हैं, द ग्रेट यासिर शाह। कलंदर्स को क्या करना है जीतने के लिए, प्लीज कोई हल बताओ। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी हमारे जो गलती की है, हमने बॉलिंग में भी थोड़ी सी गलती की है और तो हमारा मिडिल ऑर्डर क्लिक नहीं हो रहा, तो इंशाल्लाह उस पर मीटिंग की है और इंशाल्लाह इस मैच में अच्छा करके दिखाएंगे। T20 में यासिर गुगली ज़्यादा काम आती है या नॉर्मल लेग स्पिन? आपको वेरिएशन के साथ बॉल करनी पड़ती, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा अच्छा है, लेग स्पिन अच्छा करता हूँ या गुगली अच्छा करता हूँ, जो चीज़ आपकी अच्छी है उस पर करनी चाहिए। और आज टीम का जो हडल हुआ है उसमें क्या बात की गई, एक सीक्रेट बात जो आप समझते हैं कि आपको आज जिताएगी? तो सीक्रेट बात तो नहीं कर सकते। इंशाल्लाह कोशिश है, प्लान करके आए और इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। अच्छा एक आखिरी सवाल, अंपायर की उंगली से डर नहीं लगता मगर? अंपायर की उंगली से डर नहीं लगता मगर? मगर अभी अभी क्या कहूँ, यही बहुत कुछ है। अच्छा थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्या मैच हुआ कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, यानी कि हार्ट रेसिंग थ्रिलर, मैं उसको कहूँगा नेल बाइटिंग थ्रिलर, जैसे कि आप जेम्स हेडली चेस का कोई नॉवल पढ़ रहे हैं। मगर बात हम करते हैं, थोड़ी एंड से शुरू करते हैं अपनी कन्वर्सेशन और सुपर ओवर की चॉइसेस की तरफ चलते हैं। तो देखना यह है कि किसकी चॉइस बेहतर थी। मेरा ख्याल है कि ब्रेंडन मैकलम ने क्रिटिकल मिस्टेक की, मुस्तफिजुर को यूज़ किया जबकि सुनील नारायण का स्पेल था, जो कि एक एक गज उन्होंने गेंद को स्पिन किया। उधर से आंड्रे रसल आए, वो जो है उनका स्पिन वर्सेस पेस का जो रिकॉर्ड है उसमें बहुत फ़र्क है। स्पिन के ख़िलाफ़ वो नूरे हैं, बिल्कुल नूरे हैं, और पेस बॉलर को मारते हैं छक्के चौके। तो ये भी नहीं देखा गया कि उन्होंने किया क्या है, एनालिसिस के ऊपर काम नहीं किया, जस्ट एक गट फीलिंग पे चले गए और रेपुटेशन पे मुस्तफिजुर को बॉल दे दिया। और उनका अब स्लोर बॉल वैसा रहा नहीं है सर्जरी के बाद, पहले पिक हो जाता है, और सीधी हिट लगाई आंड्रे रसल ने, और कमाल का आज दिन था। हालांकि कलंदर्स को ये मैच जीतना चाहिए था मेरे ख्याल से, मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसे करके जो गेम है उनके सराहने से उठा के ले गए। सो गलत चॉइस ब्रेंडन मैकलम और कलंदर्स की, सुपर ओवर में सुनील नारायण को गेंद देना चाहिए था, और बहुत अच्छी चॉइस इस्लामाबाद यूनाइटेड की कि उन्होंने आंड्रे रसल को वहाँ पर भेजा और जाके फॉर्म प्लेयर और फॉर्म हिटर को इन्वॉल्व किया, और वो टेम्परमेंटली स्ट्रॉन्ग निकले और क्या ज़बरदस्त शॉट्स लगा के उन्होंने एक हारा हुआ मैच जितवा दिया। आज जो मज़ेदार देखने की बात थी वो थी कि कलंदर्स के स्पिनर्स ने बहुत शानदार स्पेल किया, और इसी स्पेल से दो बॉलर्स के, यासिर और सुनील नारायण के स्पेल से ये लोग वापस आए इस मैच में और एक कमांडिंग पोजीशन में आ गए, क्योंकि एक 6 ओवर्स का स्पेल था दोनों के बीच में जहां पे इन्होंने 12-13 रन दिए थे और एक विकेट ली थी और बहुत डॉट्स करवाया। सुनील नारायण ने एक एक गज गेंद स्पिन किया। आई थिंक ब्रेंडन मैकलम ने अच्छी कप्तानी की कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग, थोड़ा सा गेंद ग्रिप हुआ सुनील नारायण और फ़खर जमान और अपने स्पिनर्स का इस्तेमाल पहले किया। यासिर शाह ने 3 विकेटें ली। तो ये एक अगर कोई आप ब्राइट स्पॉट देखेंगे आज की डिफीट में कलंदर्स की, तो ये मैजिक शो था जो कि दो स्पिनर्स ने हमें करके दिखाया। ये मैजिक शो बरकरार रहना चाहिए और समहाउ इनको जीतना है, और जीतने की अगर आदत ना हो तो फिर यही होता है कि बड़ी बड़ी जीतने वाली पोजीशन से आप मैच हार जाते हैं। एक बड़ा जेन्युइन सवाल है मेरा भी और सारे लाहौरियों का कि कलंदर्स का क्या होगा, क्योंकि ये जैसे कि जीतना भूल गए, जैसे कि पहले से ही पता है कि अब होने वाला क्या है इनके साथ, कि कहाँ पे गलतियाँ होंगी। यानी कि आपका जब मिडवे थ्रू थी ये इनिंग्स और एक विकेट गिरी, 2 विकेटें गिरी, बाय द वे 6 विकेट्स गिरी एंड में सिर्फ 37 या 38 रन पे, तो एक तरह से एक जो एक डिस्ट्रक्शन की जो एक ट्रेल है वो पहले से ही आप एज्यूम कर लेते हैं कलंदर्स के बारे में, जो कि अच्छी बात नहीं है। बहुत ज़ोर लगाया हुआ है कलंदर्स ने अपना ब्रांड बनाने में, नाम बनाने में, बहुत ज़्यादा लाहौर के लोग जो हैं शौकीन हैं कि कलंदर्स जीतें, मगर अब इनको कुछ करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना पड़ेगा और नया कॉम्बिनेशन डेवलप करना पड़ेगा। आज ब्रेंडन मैकलम ने बहुत हट के इनिंग्स खेली और कमिटमेंट के साथ खेले, इसी तरह से बाकी प्लेयर्स को कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी। जब ब्रेंडन मैकलम खेले तो आपको ऊंची हिट मारने की क्या ज़रूरत है, तो अपना एक तो स्ट्रेटजी में और इनको काबू पाना पड़ेगा। बेंच स्ट्रेंथ आजमाएं, मेरे ख्याल से जो आपके टॉप प्लेयर है या टॉप प्लेयर है उसको अब आप साइडलाइन करें, नए प्लेयर्स आप इंट्रोड्यूस करें, जैसे कि आगा सलमान थे, बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने,
तो इस तरह का आपको नया एक टैलेंट ढूंढना है, दो तीन नए प्लेयर्स को लाने से फ्रेशनेस आ जाएगी और एक एक्स्ट्रा बैगेज नहीं इनको कैरी करेंगे जो नए प्लेयर्स आएंगे, क्योंकि हार हार के आप एक्स्ट्रा बैगेज करते हैं उस टीम के साथ जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। मोहम्मद शमी एक तरह से ओल्ड टाइमर कई दफ़ा कहलाए जाते हैं, फॉरगॉटन नेम है, मगर क्या उनकी परफॉर्मेंस थी और आज के मैन ऑफ द मैच अवार्ड विनर भी थे, इनकी क्या अच्छी चीज़ें हैं सुपर शमी की? दिल लगा के बॉलिंग करते हैं, पेस अभी भी उनकी बरकरार है, लीग्स खेलते हैं तो इसलिए फिटनेस भी बरकरार है, मगर अगर मैं कप्तान हूँ और मेरा गो टू बॉलर हो और मुझे चाहिए हो मुश्किल सिचुएशन में जो सर की धड़ की बाजी लगा देगा, वो है मोहम्मद शमी। इनसे आप रन्स लीग भी होते हैं इनकी बॉलिंग से, मगर आप इनसे सिर्फ और सिर्फ एक टीम प्लेयर के हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी टाइम। सो शमी में बेशक थोड़ी सी उम्र और बुढ़ापा आ गया होगा, मगर पेस में, कमिटमेंट में, क्वालिटी में और टेम्परमेंट में, जहाँ पे आपको विकेट चाहिए थी इन्होंने दिलवाई, जहाँ पे अच्छी दो बॉलें करनी थी इन्होंने किए, जहाँ पे इनसे कहा गया कि आप सुपर ओवर में गेंद करें इन्होंने किया। सो मेरे ख्याल से आज की जो नाइट थी वो सुपर शमी के नाम थी, हालांकि सुपर ओवर हुआ मगर इनकी बदौलत ये मैच जो है सुपर ओवर तक गया और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते। वाह वाह, जवाब नहीं है शमी, वेल डन।